जब मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस को और बुद्धिज़्म के कंसेप्ट को थोड़ा सा दोनों को मिक्स करा, और मिक्स करने के बाद जो एक नई चीज़ निकली, वो एक शानदार जो चीज़ निकली, आज मैं आपको उस रिसर्च के बारे में बताना चाहता हूँ। अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि मेरे को जो एक इंटरेस्ट आया, उस इंटरेस्ट को लेकर चीज़ों को समझने का, चीज़ों को जानने का, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है और परमात्मा क्या होता है, भगवान क्या होता है, साइंस क्या होती है इसके पीछे की, हर एक चीज़ जो मैंने समझी, तो मैंने जो दो मेन कंसेप्ट थे उन दोनों को जब मैंने ऐड करा, और उसको ऐड करने के बाद एक बिल्कुल ही एक बेहतरीन चीज़, एक बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़, एक ऐसी चीज़ जो तुम्हारे माइंड को हर एक चीज़ से फ्री कर देगी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हर एक चीज़ से फ्री कर देगी, तुम्हें एक नेचुरल इंसान बना देगी जो तुम हो, तुम्हें एक प्योर बायोलॉजिकल, एक ओरिजिनल, एक ऑर्गेनिक, बिल्कुल तुम्हारा माइंड जो है वो बिल्कुल प्योर एंड फ्रेश कर देगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये चीज़ निकल जाएगी, ऐसे बन जाएगी। मैंने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट करा और जो सामने आया वो सच में उसने मुझे भी हिला दिया। बात करते हैं इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या निकला। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में। देखिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो कंसेप्ट है, जो बेसिकली जो भगवद गीता में जो मैंने चीज़ें समझी, मैंने श्रीमद् भागवतम से जो चीज़ें समझी, और भी जो मतलब पद्म पुराण, चैतन्य चरितामृत मैंने से जो मैंने चीज़ें समझी, इन सारी चीज़ों से जो चीज़ें समझी, एक कंसेप्ट इन सब में से जो आ रहा है, जो सामने से एक कंसेप्ट आ रहा है, वो थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि लाइफ में जब कोई भी घटना होती थी, कोई भी दिक्कत होती, तो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग जो लोग थे, या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये हो गया तो हो गया, कोई भी घटना हो जाती है तो ऐसे कहते हैं कि ये हो सकता है तुम्हारे कुछ कर्मों का फल हो, या हो सकता है तुमसे कोई ऐसी पिछले जन्म में कोई गलती हो गई हो, तो इस वजह से ये जो पर्टिकुलर चीज़ है तुम्हारे साथ हुई है। एक माइंड को एक तसल्ली जो मिल गई, तुम्हारे भाग्य में ही ऐसा होगा, क्या पता। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर हम बात करें भगवद गीता, और अगर हम बात करें श्रीमद् भागवतम में भी, तो वहाँ पर भी ये कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि कर्म फल के अकॉर्डिंग जो है, हमने पिछले जन्म में या फिर पूर्व जन्मों में जो हमने कार्य किए हैं, उस काम को जो हमने किया है, और अभी हम जो हमारे सामने सिचुएशन आ रही है, तो क्या होता है कि जब हमारे साथ ये जो सिचुएशन आ रही है, इसके हम एक पहलू को देख रहे हैं, एक फ्रेगमेंट को देख रहे हैं, बस हम एक टाइम के एक छोटे से फ्रेगमेंट को देख रहे हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, ये वो बिला बिला ये सारी की सारी चीज़ें, लेकिन हम उस टाइम के फ्रेगमेंट को देख कर जज कर रहे हैं, बट हमें पूरी पिक्चर नहीं पता। एक घटना जो होती है उसके पीछे पूरी फिल्म होती है, एक कंप्लीट पूरा प्रोसेस होता है, एक पूरी की पूरी हर एक रिसोर्सेज लगे होते हैं, कुछ ऐसे इनविजिबल रिसोर्सेज, कुछ ऐसे डिवाइन रिसोर्सेज लगे होते हैं जो सच में हमारी इंटेलिजेंस से और हमारे जो थॉट्स हैं उनसे बिल्कुल बियॉन्ड होते हैं। तो वो कुछ चीज़ें लगी होती हैं, हर एक चीज़ को अगर हम अपने लिमिटेड माइंड से, हमारे अंदर जो बेस्ड ऑन हमारे अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों से अगर हम जज करते हैं, तो शायद हम फंस जाते हैं और हम उस प्रॉब्लम को और भी एक और जटिल प्रॉब्लम बना देते हैं, और हमारा माइंड जो है वो कॉचअप हो जाता है इसी चीज़ में, आइडियाज़ में, कंक्लूजन में, इन सारी चीज़ों में। तो ये बेसिकली ये जो तुम्हें चीज़ें बताई जाती हैं कि ये तुम्हारे भाग्य में था इसलिए ऐसा हो गया, या फिर तुम्हारा कुछ पूर्व जन्म का कर्म होगा इसलिए तुम्हारे साथ ये परेशानी, ये घटना हो गई, तो असल में तुम्हें एक इंस्टेंट रिलीफ देता है, तुम्हें एक शांति प्रदान करता है कि यार चलो ठीक है, अब तुम अपने आप से अंदर इतना लड़ोगे नहीं। असल में इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोशिश करना छोड़ दोगे, कि मान लो कि भाई किसी तुम्हारे कुछ कोई बीमारी हो गई है, तो तुमसे कह दिया कि भाई अब यार तुम्हें बीमारी हो गई, तुम्हारे पिछले जन्म का ही कुछ होगा, तुम्हारे भाग्य में ही ऐसा लिखा होगा, तो शायद क्या पता इसलिए ऐसा हो गया हो तुम्हारे साथ। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम शांत बैठ जाएं, कि हम शांत बैठ जाएं, हमारे भाग्य में ही था यार ऐसा करते हैं, मरने के लिए अपने आप को छोड़ देते हैं, नहीं। ये तुम्हें बताया जाता है कि ताकि तुम्हारा जो माइंड है, वो जो तुम्हारा जो ब्रेन है, वो
अब तुम्हारे साथ जो कोई मान लो किसी को कैंसर हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, अब वो बंदा सवाल जवाब उसके अंदर कितने तरह की इनसिक्योरिटी, कितना अशांत उसका मन, कितना परेशान बेचैन होगा वो। तो भाई उसको शांत करने के लिए उसको कोई ना कोई इतनी बड़ी जो घटना हो वो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको उस क्वेश्चन का उसको जवाब तो मिलना चाहिए। तो उसका जो जवाब है वो इस तरीके से दे दिया गया ताकि उसका माइंड जो है वो फिलहाल इस टाइम पर शांत होए, थोड़ा सा शांत हो, थोड़ा सा उसको ये रीजन समझ में आए और इसके बाद अब उसको क्या करना है, क्योंकि ये तो इमीडिएट होगा ना। आप शांत सिंपल सी बात है, आपके साथ अगर कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। तो अब आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा शांत हुआ, थोड़ा सा आपका माइंड जो है वो आपका हल्का हुआ कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, मुझसे ये गलती हो गई होगी, तो इस वजह से अब आप थोड़ा माइंड जब फ्री होगा तो अब आप आगे की तरफ सोचोगे, आगे काम करना स्टार्ट करोगे। तो बेसिकली यही है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में जो जितनी भी है इसमें बताया जाता है कि ज़्यादातर जो हमारी लाइफ है वो फिक्स है, हमारे जीवन में सुख आएंगे वो फिक्स हैं, दुख आएंगे वो फिक्स हैं, यश आएगा वो फिक्स है, अपयश आएगा वो फिक्स है हमारी लाइफ में, हमारे लाभ कितनी होगी हानि ये फिक्स है, शादी बच्चे कितना हमें दुख बुढ़ापा, ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें फिक्स है हमारी लाइफ में, ठीक है। हाँ बेस हमारे पास थोड़ी सी एक चीज़ और होती है, वो होती है फ्री विल। एक फ्री विल का भी कंसेप्ट होता है, उस पर अभी हम उसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम इस पूरे सिनेरियो को नहीं समझ पाएंगे जो एक एक्सपेरिमेंट जो मैंने करा है। तो फिलहाल तुम ये समझ लो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में या पूरा सनातन जो संस्कृति है वो ये हमें बताती है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो एक फिक्स है और फिक्स तरीके से हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, बहुत बड़ा पूरा एक टाइम जोन है। हम टाइम के हिसाब से सोचते हैं इसलिए हमें लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, लेकिन एक पूरी एक पिक्चर होती है। जैसे मान लो कोरोना, अब कोई बाहर गया, किसी को कोरोना वायरस हो गया, वो अब वो अपने आप को कह रहा है कि यार मैं बाहर ही क्यों गया, मुझे कोरोना वायरस, बट लेकिन कोरोना की अगर तुम देखो तो कहाँ से वायरस आया और वायरस कहाँ से आया, और इंडिया में काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करके आए, वो बंदा बाहर जा रहा है किसी ज़रूरी काम से, अब वो खाली अपने आप को ही गिल्टी महसूस करेगा कि यार मुझे कोरोना हो गया, मैं ही बाहर गया। अब वो एक टाइम को जज कर रहा है, उस फ्रेगमेंट को जज कर रहा है कि मुझे कोरोना हो गया, लेकिन इसके पीछे एक पूरी स्टोरी नहीं बता उसको। इसी तरह से बताया जाता है, जैसे कि कंसेप्ट है सनातन धर्म में री इंकारनेशन का, कि भाई हम पुराने जन्मों में हमारे जो पूर्व जन्म है उसमें हम कुछ ऐसा कर देते हैं तो वहाँ का भी टाइम एक जुड़ गया, एक टाइम हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो कंप्लीट वो पूरा का पूरा टाइम अगर हम जज करेंगे तब जाके हमें एक पिक्चर पूरी क्लियर आएगी कि भाई सब पर्टिकुलर चीज़ क्यों हुई है। और अगर हम जज ही कर लेंगे तो हम जिंदगी को जियेंगे क्यों, फिर जिंदगी को जीना भी तो है ना। अगर आपको कोई एक ऐसा मैच दिखा दिया जाए जिसमें आपको पता हो कि कब छक्के लगेंगे, कब चौके लगेंगे, कौन सा प्लेयर कब आउट होगा, किस बॉल पर क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा, कौन सा प्लेयर कितने रन बनाएगा, तो क्या आप उस मैच को उस तरह से एंजॉय कर पाओगे जो आप उस मैच को एंजॉय करोगे जो एक लाइव मैच होगा, जो एक ऐसा मैच होगा जिसमें बिल्कुल अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, बिल्कुल आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कंप्लीटली कोई उसमें ऐसा आपके अंदर कुछ नहीं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। तो लाइफ भी इसी तरह से है, अगर हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें फिक्स हैं या पता नहीं वो हम किसने किस लिए फिक्स करवा चुके हैं हम वो लाइफ में, तो वो इस तरह से हमें डिज़ाइन करा गया ताकि हमें पता ना लगे और हम लाइफ को जिए, एक्सपीरियंस करें, हम सुख दुख ये सारे की सारी चीज़ें जो है वो करें। और जो भी लाइफ में चीज़ें क्रिएटर ने हमारी लाइफ में फ़िक्स की हुई हैं या फिर जो भी फ्री विल से हमारे अंदर हमसे जो गलती हो जाती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सभी कारणों का जो कारण है, कॉज ऑफ द कॉजेज, वो मैं ही हूँ, हर चीज़ मेरी वजह से ही हो रही है, समय भी मैं ही हूँ, हर एक चीज़ मैं ही हूँ, भगवान श्री कृष्ण बेसिकली ये कहते हैं। तो वो इसलिए कह रहे हैं ताकि आपके कंधे से एक बोझ जो है वो उतर गया, ताकि अब आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ, आपको काम क्या करना है, वर्क क्या करना है आगे। तो बेसिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट यही है कि ज़्यादातर चीज़ें हमारी लाइफ में फिक्स हैं और थोड़ी बहुत हमारे पास फ्री विल है और हम उनको लेकर कुछ नहीं कर सकते, बस वी कैन ओनली वॉच, वी कैन ओनली जस्ट एज अ विटनेस कर सकते हैं, एज अ दृष्टा की फॉर्म में उसको, बस ये चीज़ है। अब इससे ये होता है कि जो भी चीज़ अब हमारी लाइफ में घटित हो रही है, दैट इज़ कहते हैं कि हर एक चीज़ जो हो रही है वो हर एक चीज़ जो होती है वो अच्छे के लिए ही होती है, कुछ ना कुछ जो कुछ भी होता है उसके पीछे का रीज़न जो होता है वो सही होता है, अच्छा ही होता है यार, ठीक ही होता है। हम भी अपने पिछली लाइफ में अगर पीछे देखें तो कुछ भी चीज़ें जो कुछ भी हमारी लाइफ में चीज़ें हुई हैं तो हम
अभी हमें लग रहा है कि यार पीछे पीछे जो चीज़ें हुई हैं यार वो सच में अच्छे के लिए ही हुई हैं। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आए तो मुझे अभी भी लग रहा है कि हाँ यार ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता तो अच्छा ही हुआ है। तो क्रिएटर पर बिलीव हो जाता है, एक शरणागति होती है, तभी तो एक सरेंडर होता है कि भगवान पर सरेंडर कर दो। जब आप सरेंडर कर देते हो तो आप ये सोचते हो कि भगवान जो भी हमारी लाइफ में चीज़ें घटनाएं हो रही है वो हमारी हेल्प करेंगे, आगे करके मदद करेंगे, हमारा माइंड ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होता, प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ता, दिमाग शांत रहता है। लेकिन अब बात आते हैं जरा हम बुद्धिज़्म के कंसेप्ट पर। अब हम बात करते हैं जरा बुद्धिज़्म के कंसेप्ट पर, अब हम बात करते हैं भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, इनका कंसेप्ट क्या कहता है। देखिए इनका कंसेप्ट कहता है कि चीज़ों को मानो मत, कि आपको बोले भगवान है मत मानो, आपको तर्क तर्क लगाना है, अपना लॉजिक लगाना है, और जब तक आप खुद एक्सपीरियंस ना कर लो तब तक किसी नतीजे पर मत पहुंचो, आपको खुद एक्सपीरियंस करना है। क्योंकि जो आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा और जो आपका उधार ज्ञान होगा, जो आपको लोगों ने बता रखा है, समझा रखा है, मे भी आपके गुरुज ने, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, या आपने जो यूट्यूब से या कहीं से भी जो ज्ञान सुन रखा है, जो आपको बताया हुआ है, जो आपको समझाया हुआ है, वो उधार ज्ञान है और एक है एक्सपीरियंस। तो इन दोनों में से जब आप कोई डिसीजन लेना चाहोगे, जब आपके साथ आप कोई किसी ऐसे मोड पर खड़े होगे, जब आपको कोई एक स्ट्रॉन्ग एक टफ डिसीजन लेना होगा, तो आप अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिसीजन लोगे जो आपने एक्सपीरियंस किया है। तो बुद्धिज़्म में एक एक्सपीरियंस का कंसेप्ट है कि आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करो। अब बुद्धिज़्म में एक कंसेप्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप जानते हो बुद्धिज़्म में सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ है वो क्या है, विपस्ना मेडिटेशन, सिंपली माइंडफुलनेस या मेडिटेशन ही सबसे फेमस चीज़ है। कई तरह की मेडिटेशन होती है, थॉट्स को थॉट्स पर मेडिटेट करो, साउंड पर मेडिटेट करो, ब्रेथ की जो हमारी जो ब्रेथ है उसकी जो सेंसेशन है उसको उसको ब्रीथ करो, उसको जरा महसूस करो, फील करो, कई तरह की मेडिटेशन होती है। तो मेडिटेशन में आपको बताया जाता है कि बी इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहो, जो मतलब पास्ट से और फ्यूचर से बिल्कुल आपको बिल्कुल कट हो जाना है, आपको अभी में बिल्कुल प्रेजेंट में रहना है, इस समय पर रहना है इस। तो अब प्रेजेंट में रहने का मतलब, अब मान लो मैं प्रेजेंट में हूँ कि मुझे बताया गया है कि इस समय इस मोमेंट इस टाइम प्रेजेंट में रहो। अब प्रेजेंट में रहने के लिए क्यों बोला जाता है, मतलब प्रेजेंट में अगर रहेंगे तो क्या सारी चिंताएं छोड़ दें कि फ्यूचर में क्या होगा, या फिर पास्ट में जो भी हमारे अंदर मेमोरीज इकट्ठी हमने की हुई है और अब फ्यूचर में जाके जिस चीज़ को डिसीजन लेंगे, फ्यूचर में जिनको इनकाउंटर करेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे प्रेजेंट में रहेंगे, या फिर अभी मैं प्रेजेंट में वीडियो बना रहा हूँ और मैं प्रेजेंट के बारे में सोचूँ तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा, पास्ट और फ्यूचर तो गया मेरे लिए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो, बस महसूस करो, प्रेजेंट में फील करो। देखिए इसका कंसेप्ट जो है, अब ध्यान से सुनना, अब प्रेजेंट में जब आपको कह रहने के लिए बोल दिया, एक तो जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आपको कहा गया था कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो फिक्स हैं, ठीक है, होगा जो होगा वो होगा, जो होना है वो होकर रहेगा, ठीक है। अब प्रेजेंट में अब अगर आप रहोगे, अब आप बिल्कुल प्रेजेंट में रहोगे, यानी जो आपके साथ अब होना है, जो आपके साथ हो रहा है, जो कुछ भी आप टॉलरेट कर रहे हो, अब आप उसको फेस कर रहे हो। प्रेजेंट में रहने का मतलब है कि जो घटना आपके साथ है उसको फेस करना, उससे एस्केप नहीं होना, उससे भागना नहीं है, उससे दूर नहीं जाना, उसको लेकर कोई कंक्लूजन भी नहीं बनाना कि यार ये मेरे साथ इसलिए हुई है क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ था, या फ्यूचर में मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाएगा इसलिए ऐसा हुआ, नहीं। अब उस प्रॉब्लम को जियो, अब उसको जियो, उसको बिल्कुल एकदम बिना उसको जज करे, बिना कोई उससे कोई अपनी मेमोरी बनाए हुए, बिना उससे कोई भी नाता जोड़े हुए, बस उसको एज इट इज, जस्ट बी देयर, बस सिंपली उसको देखो, बस देखो। देखने का मतलब पता है ना आपको, जैसे मेरा ये हाथ है इसको तुम देख रहे हो, बस देखने का मतलब ये होता है। तो ये अब इसको तुम देख रहे हो, इसको तो देखना रहेंगे, लेकिन अगर आप तुम ये सोचने लगोगे यार इसने ऐसा हाथ क्यों दिखाया, ये हाथ हिल क्यों रहा है, ये तो ये सारी चीज़ तुम्हारी पास्ट और फ्यूचर पर चली जाएंगी। देखने का मतलब ये है सिर्फ सिंपली चीज़ को देखो, और जब तुम चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देते हो, जब तुम चीज़ों को बिल्कुल सीइंग जब आ जाती है, तो सीइंग इज़ द बिलीविंग। तो जब आप बिल्कुल एकदम देखते हो चीज़ों को, पर्टिकुलरली एक
होशोहवास में आ जाते हो कि जो बुद्धिज्म का कंसेप्ट है, तब क्या होता है, कृष्णा कॉन्शियस की वजह से आपके माइंड से एक ये स्ट्रेस गया कि आपकी लाइफ में जो परेशानी, जो भी दिक्कत आ रही है वो फिक्स है, वो तो आएंगी, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। एक तो ये आपके अंदर से स्ट्रेस जो है वो कम हुआ। दूसरा, जब आप प्रेजेंट में रहोगे, प्रेजेंट में रहने से क्या होगा, फ्यूचर में जो आप कनेक्ट करोगे, पास्ट में जो आप जो चीज़ें सोच रहे थे उसका जो बोझ था वो भी हल्का हो गया। अब आपका माइंड फ्री हो गया, माइंड फ्री हो गया, बिल्कुल फ्री, कोई माइंड पर कोई प्रेशर नहीं है, माइंड पर किसी भी न्यूटन का कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं, जीरो न्यूटन लोड माइंड पर, जीरो स्ट्रेस, माइंड बिल्कुल फ्री। क्यों? क्योंकि अब आप ये सोच चुके हो कि भाई मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से हो सकती है, वो फिक्स है, हो सकता है क्रिएटर ने मेरे को कुछ पर्टिकुलर, तो वो क्रिएटर पर मेरा सरेंडर है, तो अब तो मैं सारी जो मेरे अंदर परेशानी है जो वो मैं किसी बड़ी पावर को दे दे रहा हूँ, मेरा स्ट्रेस हल्का हो गया। अब आप प्रेजेंट में भी रह रहे हो, बुद्धिज्म के कंसेप्ट में आप प्रेजेंट में भी रह रहे हो, और प्रेजेंट में रहकर आप उस चीज़ को बिल्कुल देख रहे हो, फेस कर रहे हो, तो धीरे धीरे करके तुम्हारा जो परेशानी से एक्सपोजर होकर तुम एक ऐसे पर्सन बन जाओगे, तुम्हारा जो माइंड है वो बिल्कुल अब फ्री, कम्प्लीटली फ्री। अब जो परेशानी है ना, अब जो पेन होगा या जो प्लेजर होगा, कुछ भी होगा, अब उसमें ना तुम दुख सुख से ऊपर उठकर तुम उसमें जॉय ढूंढोगे। और जब तुम्हारा माइंड बिल्कुल फ्री हो जाएगा, जिसमें स्ट्रेस ही नहीं है, वो माइंड बेहतर डिसीजन ले पाएगा, उसको क्या करना है, वो माइंड नेचुरली, ऑर्गेनिकली, ऑटो मोड पर, बिल्कुल जो बायोलॉजिकल एकदम प्योर माइंड होता है, उस माइंड से आप एक फ्रेश माइंड से आप डिसीजन ले पाएंगे, और उससे आपकी ज़िंदगी में आप जो भी करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी गोल है, जो भी है, अब आप जो हैं आप प्योर हो चुके हैं अंदर से, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब आपको बाहर की कोई चीज़ है, अंदर की कोई चीज़ है, इधर की कोई चीज़ है, उधर की कोई चीज़ है, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने दो चीज़ें कर ली। एक तो आपने ये सोच लिया, आपके अंदर ये आ गया कृष्णा कॉन्शियसनेस की वजह से कि भाई मेरे जो भाग्य में वो आए होगा होकर रहेगा ही, और दूसरा बुद्धिज्म के कंसेप्ट से आप फेस करना सीख गए और आप प्रेजेंट में रह रहे हो। तो इसका मतलब अब आपका परेशानी से धीरे धीरे करके आप बोर होते जाओगे फेस करते हुए, जब आप एक ही चीज़ पर फोकस करोगे तो बोर हो जाओगे, फेस करते जाओगे उस चीज़ को तो बोर हो गए, और प्रेजेंट में रहने से आपकी जो चिंताएं हैं, वरीज है, वो भी ख़त्म हो गई, तो अब आपका माइंड एकदम फ्रेश, अब आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आएगी, अब जब आप जो करोगे, जो आप डिसीजन लोगे, वो डिसीजन जो होगा ना, और उससे जो रिजल्ट्स आएंगे, आउटकम आएंगे, और उससे जो आप बनोगे आगे चल के, जो भी आप कुछ करना चाहते हो, वो उसमें आप एक प्राउड फील करोगे, उसमें एक जॉय होगा, चाहे वो आप दुख में हो, चाहे परेशानी में हो, दिक्कत में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, एक जॉय एक चीज़ अलग होती है, ये चीज़ जानने पर। सो बुद्धिज़्म और कृष्णा कॉन्शियसनेस को, या हमारा ये जो सनातन धर्म है, इन दोनों को जब मैंने कंसेप्ट को ऐड करा, तो ऐड करके ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ निकल के आई, एक शांति प्रदान करने वाली चीज़। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है, ये मत सोच लेना कि यार मतलब ठीक है, अब भाग्य में जो लिखा है वो होगा ही होगा, और प्रेजेंट में रहते हैं तो उसका मतलब कुछ करे नहीं, आप ऑटोमेटिकली करोगे भाई, जो माइंड का नेचर है, जो आप जब आप हर एक इन्फ्लुएंस से, जब आप इधर उधर के हर एक मोटिव से, जब आप हर एक डिज़ायर से फ्री हो जाओगे, तो नेचुरली आप वो करोगे जो आप हो, और तब कोई दिक्कत नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ एक फीलिंग होगी कि बिल्कुल एक फ्रीडम होगी। फिर एक जैसे मान लीजिए कि शेर आ जाता है, अब शेर आ जाएगा तो भाई सिंपल सी बात है, भागेंगे, उस टाइम हम ये नहीं सोचेंगे कि आप यार मेरे को शेर ने खा लिया, फ्यूचर में क्या होगा, या फिर पास्ट में इस वजह से शेर आया है, नहीं, इमीडिएट देखा और करा, सीइंग एंड डूइंग, तो आपका माइंड इस तरह से हो जाएगा, एक बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आप चलोगे। सो ये है, ये जो मैंने जो अभी तक मैंने चीज़ें गैदर की हैं, कि मैंने जब बुद्धिज़्म और कृष्णा कॉन्शियसनेस किस से जब मैंने दोनों को प्लस करके एक चीज़ निकाली, तो ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करने वाली एक बेहतरीन चीज़ निकली। देखिए, रिलीजन जैसी चीज़ों पर मैं भी बिलीव नहीं रखता, मैं भी एक ह्यूमैनिटी पर बिलीव रखता हूँ,
इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है, कंपैशन सबसे पहली चीज़ है, लव सबसे पहली चीज़ है। इसी चीज़ पर मैं सबसे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, बिलीव करता हूँ, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस कंसेप्ट को निकाला, और इसको निकाल कर जो मैंने चीज़ निकाली वो आपका माइंड एकदम फ्री कर देती है, कोई स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल क्लीन माइंड, बिल्कुल क्लीन, नो स्ट्रेस, नो लोड, बिल्कुल यू आर कम्प्लीटली नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल मैमल, कम्प्लीटली मैमल, एक प्योर जिसके अंदर कोई क्लेवरनेस नहीं, कोई चलाकी नहीं, कोई हेट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस वो फ्लो हो रहा है नेचुरली। वो कहते हैं ना, डोंट जज लाइफ, लेट इट फ्लो, डोंट जज लाइफ, लेट इट फ्लो। तो अब आप फ्री हो गए, आपका माइंड फ्री हो गया, अब आप नेचुरली, जैसे आप नेचुरली जो आपके अंदर चीज़ होंगी उस तरफ आप इंक्लाइंड होंगे, उस तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बस। सो आपकी क्या इसमें राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको मेरा ये वर्क अच्छा लगता है तो आप मेरे को स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।